imagine imagine a world which is kind of a rat trap everybody people around circling around that rat trap in search of some pleasures some bungalows some cars as the baits and once they get them they need they aspire to need more hence fallen into the rat trap this is the basic idea that a new chapter is written in the name of the rat trap chapter number 4 so bonjour everyone this is your host himanshu parihar and i welcome you all to another chapter of chapter uh, of your flamingo book the name is the rat trap and written by selma lagdorff nobel in, uh, nobel prize in literature first women so you will be proud to know that most of the stories written by selma lagdorff have been around circling around one central theme that central theme i have noted down not noted down here but much be much better in the oral part मैं सारी स्टोरी लाइन आपको नोट्स की जगह ओरली भी दूंगा बस मेन मेन पॉइंट्स में कवर करते जाइए पूरा क्वेश्चन इसी के अंदर से बन रहा है। है? क्या की थीम मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया कि वर्ल्ड अगर एक रैट ट्रैप है ये तो टाइटल है हमारा दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइटल करूंगा थीम से कैसे कनेक्ट होता है theme कुछ और है? थीम है इनर मोस्ट असेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट वी कैन इजीली वेकन और अवेकन बाय द अंडरस्टैंडिंग एंड लव ऑफ अदर ह्यूमंस तो बेसिकली यहां पर पूरा चैप्टर इसी थीम के आसपास सर्कल राउंड करता है बिकॉज सलमा लेगरलॉफ की सारी स्टोरीज में कॉमन है कि असेंशियल गुडनेस अगर किसी के अंदर है कोई ह्यूमैनिटी अगर छुपी हुई है तो उसको जगाया जा सकता है बस थोड़ा सा कंसर्न लव और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है तो दिस इज द थीम ह्यूमैनिटी अवेकनिंग थ्रू लव

इज जस्ट अ पैडलर क्योंकि पैदल चलते चलते जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी पैडलर कहते हैं तो उनके बहुत सारे नाम है पर सारे नाम कॉमन नाउन डोंट यू थिंक इनका कोई प्रॉपर नाउन नहीं है इनका कोई रियल नेम नहीं दे रखा है ऑल दो चैप्टर एंड इन बिटवीन दैप्टर ही पैडलर कौन है हमारे रेड्रेप सेलर का जो आइडिया है वो ये कहता है किलर

And a homeless seller, along with one more line that you can write down, that he is he has also some humanity at his heart, which transformed him at the end of the chapter. Some humanity at the heart or transforming at the end of the chapter. But attributes are attributes, mein betraying, philosophical, uh, fearful. Why not? Coward, you may say coward and fearful. First, red trap. Mein first

ऑफ नॉट गेटिंग अटेंशन बाय एनी वन तो एक दिन जब ये नॉक करता है किसी दरवाजे पे बिकॉज द वेदर इज नॉट फेवरेबल फॉर एम टू टू स्लीप आउट्टर नाउ क्रॉफ्टर किसको कहते हैं ये ब्रिटिश वर्ड है प्लीज रिमेम्बर क्रॉफ्टर इज बेसिकली स्मॉल लैंड ओनर जो कि टेनेंट्स को मतलब जो वहाँ पे रेंट पर लैंड रहते हैं उनको काम करने के लिए जमीन देते हैं यू कैन से जमींदारी सिस्टम में जो हमारे यहाँ पे जमींदार और लैंडलॉर्ड होते थे, थे वैसा एक छोटा मोटा लैंडलॉर्ड ब्रिटेन में क्रॉफ्टर कहलाता है तो क्रॉफ्टर के हाउस पे करता है ही सो कि आ जाइए uh, so, जितनी देर वहां रहते हैं पूरी रात वो uh, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ उनको बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं तो so, क्रॉफ्टर के एट्रीब्यूट्स में आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करिए नेम ओनर बट इससे पहले ये फार्म लैंड ओनर के साथ साथ डेरी वर्कर है प्रेजेंटली और इससे पहले आयरन वर्क्स में रैम्स जो आयरन वर्क्स का हम इंस्टेंस भी लेंगे वहां पर ही एज अ वर्कर काम कर चुके हैं तो तीन इंट्रोडक्शन याद रखना क्रॉफ्टर के तो क्रॉफ्टर इज अ स्मॉल लैंड ओनर फॉर्म वर्कर एट रैम्स जो आयरन वर्क एज वेल एज ही इज ऑल्सो अ डेयरी फार्मर राइट नाउ क्योंकि उसने एक काउ के साथ अपनी कुछ अर्निंग्स को भी शेयर किया था

फैक्ट्री में सबसे वन ऑफ द फर्स्ट फेमस फैक्ट्री है तो यस इज द ओनर ऑफ पर्सन बड़ा आदमी है उस एरिया का, और उनका एक मैनर भी है अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है आयरन मैन आयरन मास्टर या आयरन मैन बोल सकते हैं आयरन मैन नहीं सॉरी आयरन मास्टर मैनर मैनर का मतलब मैंशन बड़ा सा बंगलो भी है इनका और वहां पर इनके दोनों बेटे बाहर चले गए बोथ आर अब्रॉड और इनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है द ओनली वन हु इज इज लिविंग हिम हुमस्ट एल्डेस्ट डॉटर नेम इज एडला तो हमारे आयरन मास्टर का पूरा नाम नहीं दे रखा है पर इनकी बेटी का नाम दे रखा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है तो आयरन मास्टर के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो इज द ओनर ऑफ आर एमजो आयरन वर्क राइट एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर आर्मी मैन ये पता लगेगा आपको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वो फॉर्मर आर्मी मैन कैसे कंक्लूड कर रहे हैं वो पहले एक आर्मी में रह चुके हैं ओनर हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री के और एक बहुत बड़े बंगलों के और आयरन मास्टर के नेचर में तुम लिख सकते हो क्रॉफ्टर के नेचर में मैंने आपको शायद वर्ड्स नहीं लिखवाए के नेचर में तुम जरूर लिखना लिखवाएलस वो बहुत ईजिली विश्वास कर लेता याद रखना क्रेडिबल बिलीवेबल होता है क्रेड्यूल मतलब बहुत ईजिली बिलीविंग ब्लाइंड बिलीविंग ओवर अदर्स हेल्पफुल हॉस्पिटेबल एंड काइंड मैंने किसके बताया आपको क्रॉफ्टर के इज हॉस्पिटेबल बहुत उसने host किया उसको इवन अ पुअर मैन लाइकर कैन भी होस्टेड लाइक की काइंडनेस की कोई हिसाब ही नहीं है इजिली उसने विश्वास कर लिए उन थर्टी क्रोनर्स के लिए दिखाकर क्रोनर्स इज अट रुटेन मोस्टली लाइक यू कैन से जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज तो वहाँ पे पाउंड मल्टीपल यूनिट्स अब एक और चीज बात कर लेते हैं कि हमारा आयरन मास्टर के एट्रीब्यूट्स में आप क्या क्या लिखने वाले हैं आयरन मास्टर वॉज अ फॉर्मर आर्मी मैन ही अ आयरन फैक्ट्री मास्टर ही में आप लिख सकते हैं इज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट एवरीथिंग उसको एक एक चीज के बारे में पता होता है कि ये सही है और ये गलत लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब वो इमोशनल नहीं है इज लेस इमोशनल मोर प्रैक्टिकल एडलाइज जस्ट अपोजिट इज मोर इमोशनल लेस प्रैक्टिकल ठीक है एंड लेट्स टॉक अबाउट आयरन मास्टर का वन मोर एट्रीब्यूट दैट इज आपको दोनों आयरन persu मास्टर मतलब से कन्वि वो हमारे क्रिसमस पे आने के लिए क्योंकि आयरन मास्टर उसका दोस्त बोलते हुए भी उसको कन्विंस नहीं कर सकता तो दैट्स व डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दे रियल दोस्त होता नहीं है जस्ट मिसम फॉर अमरे

Our so, तुम आंसर में लिखेंगे ऑन द स्ट्रीट पैडलर हैोड हिम एंड टोल्ड हिम हिज पास लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ फॉर एग्जाम्पल उसने बताया उसको कि जो मैं वर्कर रह चुका हूँ और उसने ये भी बताया दैट प्रेजेंटली आई एम हैविंग अ काउ जो बहुत अच्छे से मुझे uh, कमा के देती है दैट्स अ कैश काउ यू कैन से एंड उस कैश काऊ में मोस्टली कैश काउ हम उसको कहते हैं जो बैंकर ऑफ द हाउस होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पर आपकी, आपकी मॉम सबसे तो ज़्यादा कमाती है तो वो कैश काउ है पर इसके घर पे तो लिटरली काउ इज द ओनली कैश काउ तो उस कैश काउ ने इसको थर्टी करोनर्स लास्ट मंथ ही कमा के दिए हैं एंड इसका जो गेस्ट है पैडलर वो इतना Convinced नहीं लगता कि थर्टी क्रोनर्स इतनी बड़ी अमाउंट एक काउ से निकाल लिया आपने मिल्क को बेच के so he seems incredulous, that's why हमारे gullible credulous भाई साहब कोई आ, उतार सकता है इतना blindly believe करते हुए दिखाते हैं ओवरऑल अमाउंट ऑफ थर्टी क्रोनर्स उसको वापस पैकेट में रख के वहीं टांग देते हैं जस्ट टू मेक श्योर

बेट उसके लिए तो एक तरह से वो लालची था क्रॉफ्टे हमारे पेडलर के लिए तो वो बेट को लेकर मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है से जाएगा तो हो सकता है पकड़ ले कोई पुलिस को शायद उसने कंप्लेन कर दी हो पुलिस मुझे पकड़ ले तो रोड से मेन रोड से जाने की अच्छा है आई शुड स्टेप डाउन इन द फॉरेस्ट नाउ आई शुड चेंज माई वे टू द फॉरेस्ट सो दैट

तो उसमें भी पजल्स होती है भूल होती है जिसमें फंस जाते हैं वो लोग वैसे ही मेज यस फॉलन इन टू द मेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड द डेंस फॉरेस्ट इज अगेन अ ट्रैप फॉर हिम जो वो दूसरों के लिए सोचता था, था कि वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है लोग फंस जाते हैं आज ही हिमसेल्फ हैज गॉटन इन टू दैट रेड ट्रैप आयरॉनिकली प्योर आयरनी है ना दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ द चैप्टर फर्स्ट आयरनी एक पुअर पैडलर को एक बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा होस्ट मिल जाता है है ना

होप होप देती देती एक ऑफ कि चलो जाकर देखते हैं शायद कोई फैक्ट्री दिख रही है एंड दैट टाइम इट टू विंटर क्योंकि स्वीडन एक स्कैंडियन कंट्री में आता है नॉर्थ पोल के आसपास तो वहां पर ठंड बहुत पड़ती है उस ठंडे कंट्री में जब ये ऑलरेडी ऑन द स्ट्रीट है होमलेस है एग्जॉस्टेड है फॉरेस्ट में थक चुका है तो उसको एक गर्म जगह भी दिखेगी तो मोस्टली लोग जाते थे उस गर्म जगह के पास ताकि थोड़ी सी हीट मिल जाए वहां पे सो जाए ऐसे ऑन द स्ट्रीट लोग वहाँ पे जाते ही थे तो वेंट टू द रैम्स आयरन वर्क And में, क्योंकि uh, माहौल कोई भी बैगर वहां पर एंट्री विदाउट एनी नोटिस बहुत सारे क्लर्क और क्लर्कस uh, uh, और ब्लैक स्मिथ वहाँ पे काम कर रहे हैं ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार वहां पे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड देन मास्टर ब्लैक स्मिथ मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटिस

तो जा पर सुबह जल्दी निकल जाना दिस इज वर्ड्स ऑफ मास्टर ब्लैक स्मिथ मास्टर ब्लैक स्मिथ ने उसको एक हॉटी कंसेंट दियारो ऑफ द स्टोरी आयरन मास्टर क्योंकि रेमजो आयरन वर्क में इंस्पेक्शन पे आयान दैट डिम लाइट मिस टूक एज हिस ओल्ड कॉम्रेड Old 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 friend, old companion in in his his army days, and calls him Mr. Nils Olof. Nils Olof. This is the the pseudonym that our trap seller gets in the name of his old comrade. कर स करने लग जाता है कि प्लीज डोंट बी हि अरे आपकी इतनी बुरी हालत में आपको यहाँ पे नहीं देख सकता प्लीज कम विथ मी एट माई होम ना ऑन दिस सबसे पहले तो हमारे सोचते हैं कि चलो पैसों के बहाने हमें हाँ मिटा लेते हैं क्या जा रहा है ही डिज इन डिनाई दैट मिसअंडरस्टैंडिंग और उसको बोलते हैं आने दो हाँ गॉन डाउन विथ मी दिस इज सेंटेंस मेरे साथ चीज़ें बहुत बुरी हुई है इसलिए मेरी ये हालत हो गई तो रेड ट्रैप सेलर भी कम नहीं है भाई साहब मज़े पूरे ले रहे हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के ना द सेकेंड सेंटेंस इज वाइट यू कम विथ अस वाइफ तो नहीं रही बच्चे बाहर चले गए सिर्फ एडला रहती है घर पर मेरे साथ आप हमारे साथ एज अ गेस्ट चलिए और हमारा क्रिसमस ईव को थोड़ा uh, सा हैपनिंग बना दीजिए चलिए आपके साथ हमको भी अच्छा लगेगा ना दिस इज जस्ट अ जेस्टर काइंड जेस्टर फ्रॉम आयरन मास्टर बट ओनली फॉर इज ओल्ड फ्रेंड नॉट फॉर दुअर सेल्फ ऑन द कंट्री वेन ही डिनाइज सॉरी आई कॉन्ट कम डिनाई इज वेरी स्ट्रेट कावर्डली क्योंकि फियरफुल था उसके माइंड में कहीं मुझे घर पर ले गए तो मैं फिर से पकड़ा जाऊँगा थर्टी क्रोनर्स अभी भी मेरे पास है लेट्स डू वन थिंग आई एम स्टेग यू आई एम सॉरी फॉर योर ऑफर आई कॉन्ट गो विन दैट आयरन मास्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं मास्टर ब्लैकस्मिथ को कि कैप्टन वॉन स्टेहल शायद तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं एंड दिस नेम कैप्टन वॉन स्टेहल वापिस बोला मैंने कैप्टन वॉन स्टेहल इज आल्सो द सेम नेम फॉर नील्स ओलफ और नील्स ओलफ और कैप्टन वॉन स्टेहल दोनों सेम आदमी है अलग अलग नहीं डोंट गेट कंफ्यूज कैप्टन वॉन स्टेहल आज तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं ऐसा लगता है दैट्स हाउ ही लीव्स पर वो एक नया ट्रम्प कार्ड चलता है एंड ही

He 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 realizes, oh my God, is 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 not Neil Solof. He is not Von he is somebody else, a liar. हां हां and that's how the disguise Disguise मतलब हमारे Red ने भी डिस्गज को फेवर किया था और आयरन मास्टर तो वैसे भी डिजगाइस हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये उनका एक ओल्ड फ्रेंड है ना व्हील का मतलब घूंघट

लास्ट पार्ट इज एक बहुत शानदार डायलॉग मारता है यू सी दिस वर्ल्डी सब लेने के लिए दौड़ रहे हैं एंड टूडे यू है आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट कर लिया आई कंट डिनाई क्योंकि मैं भी उस रेट ट्रैप पे फंस गया नॉट इज ऑल योर फॉल्ट नॉट माइंड

इसने कहाँ देखा होगा इतना शानदार डिनर क्रिसमस ईव का कहां इसने इतने अच्छे लोग देखे होंगे बेचारा पुअर मैन को एक अगर इवनिंग हम लोग दे सकते हैं तो Now, yes, हमारे नील सुलफ नाम पे जो भी बेगर आ गए घर में एडला के कहने पे फादर ने भी खातिया डाल दिए गेवन ओके फाइन लेट हिम बी हियर ओनली तो पहले वो कुछ खाता है फिर वापस सोने चला जाता है फिर वापस शाम को आता है उठने उठने के लिए कुछ खाता है बढ़िया-बढ़िया खाना, like पिग लाइक -like की तरह मतलब एक फूड की तरह खाता रहता है एंड अगेन गोज टू स्लीप एज इफ नॉट फॉर इयर्स इन सच बेडरूम तो आज वो सो ही रहा है बस सुबह से लेकर शाम तक नाउ द नेक्स्ट डे इज इवनिंग नेक्स्ट डे

और ऑन दी अदर हैंड एडला इज क्वाइट गिल्टी एंड सैड अरे हे भगवान ये मैंने क्या कर डाला मैंने जिद करके पापा के सामने उसको रोका एंड ही इज अ क्या पता घर पे कितनी चोरी कर ली होगी नाउ व्हेन दे रीच द होम द क्लाइमैक्टिक फेयरवेल अपीयर्स सबसे पहले जैसे ही वो रुकते हैं वो अपने पहले से पूछता है कि वेयर इज द पैडलर एरन मास्टर पूछता है व्हेल सेज ओह ही हैज गॉन हैज टेकन नथिंग कोई डैमेज नहीं किया है.

तो मुझे एक और पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा दिस होल हॉस्पिटैलिटी हैज बीन सरप्राइजिंग एंड अनमेबल फॉर मी इन माई इंटायर लाइफ दैट्स वाई आई एम साइनिंग दिस लेटर विद द नेम योर फ्रेंड ओल्ड कॉम्रेड कैप्टन बॉन केहल तो उसने लिटरली वो लेटर उसी नाम से साइन किया जिस नाम से वो उसको घर पर लेकर आए थे इन द नेम ऑफ

Has been given by only you, Mrs. Simpson. Thank you for everything. That's the end of the story. A good story, a humanity still alive story. And that's signing off, Iman Chupari. Thank you.